कोई जान देता है, कोई जान लेता है। पावर। तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड के सुल्तान और बॉक्स ऑफिस के भाईजान यानी कि सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना वीकेंड तो शानदार अंदाज में खत्म कर चुकी है। और आज दोस्तों ये फिल्म विगडेस की एंट्री मार चुकी है। लेकिन दोस्तों विगडेस में एंट्री मारने के साथ ही ये भी कंफर्म हो चुका है कि सलमान खान की इस फिल्म को अब किसी का बाप भी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों ये फिल्म आज अपने चौथे दिन जिस तरह की बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है वो भी एक आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म किसी का भाई किसी की जान के चार दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। और जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का स्टेटस मिला है या फिर मिला है सुपर हिट का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान जब भी ईद के मौके पर अपनी किसी फिल्म को लेकर आए हैं, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई जरूर की है। इस बार भी दोस्तों वो अपनी मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान लेकर आए हैं, जो कि एक प्योर फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म है। और इस फिल्म में सलमान खान के साथ पहली बार पूजा हेगड़े की जोड़ी नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों विलन के तौर पर आपको तेलुगु सिनेमा के स्टार जगपति बाबू, वेंकटेश डगुपति और शहनाज गिल जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। लगभग 110 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 4,500 से ज्यादा स्क्रीन पर ऑल ओवर इंडिया में और लगभग 5,700 से ज्यादा स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इन सभी स्क्रीन पर दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो एक धमाकेदार ओपनिंग ली ही थी, साथ ही साथ दोस्तों अपने वीकेंड्स में भी ये फिल्म ऐतिहासिक कमाई करने में कामयाब रही। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 15,81,00,000 रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रही, जो कि इस साल की सेकंड बिगेस्ट ओपनिंग है। और इस फिल्म ने तू झूठी में मक्कार और भोला के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 90% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन 25 करोड़ से भी बड़ी ओपनिंग ली। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 40 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म शुरुआती दो ही दिनों में 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के तीसरे दिन यानी कि कल अपने पहले संडे के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि बासी ईद वाले दिन इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से रिकॉर्ड कमाई की है। और सुपरस्टार सलमान खान ने दिखा दिया है कि कितने भी हेटर्स उनकी फिल्मों की नेगेटिविटी कर ले या कितने भी खराब रिव्यूज उनकी फिल्मों को मिल जाए, वो अपने स्टारडम की वजह से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को हिट करवा सकते हैं। और वैसा ही दोस्तों यहां पर फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ हुआ और इस फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे दिन भी रिकॉर्ड ग्रोथ करते हुए लगभग 29 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार किया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती तीन दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो तो लगभग 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुका था। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर में पार कर दिया है। शुरुआती तीन ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज मार्केट से भी 40 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। दोस्तों बताते चले आपको कि 110 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 120 करोड़ रुपए तो अपने शुरुआती तीन दिनों के वीकेंड में ही कमा लिए थे और भोला और तू झूठी में मक्कार के वीकेंड कलेक्शंस को पीछे कर दिया था। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने चौथे दिन के कलेक्शंस की और विगडेस की शुरुआत की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि किसी भी फिल्म के लिए वर्किंग डे यानी कि पहला मंडे एक बॉक्स ऑफिस टेस्ट के हिसाब से देखा जाता है। और दोस्तों यहां पर सुपरस्टार सलमान खान की सुपर फैन फॉलोइंग की वजह से यह फिल्म आज अपने चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग होल्ड कर रही है। आज की भी दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो 2,30,00,000 रुपए से ज्यादा की है। मॉर्निंग में ही दोस्तों यह फिल्म आज 12-13% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग की भी इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी
सी है उसमें काफी अच्छी एडवांस देखने को मिल रही है। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों को सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ही नहीं बल्कि मास सिनेमा यानी कि दोस्तों सिंगल स्क्रीन पर भी काफी पसंद किया जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि उनकी जिस तरह की फैन फॉलोइंग है वो आज भी सिंगल स्क्रीन पर लाइन लगाए हुए बैठी है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने चौथे दिन भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 7 से 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का भी कलेक्शन लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए का आ रहा है। ऐसे में दोस्तों यह फिल्म 4 ही दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी और सुपरस्टार सलमान खान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट ट्रेंड कर रही होगी। जिस तरह की कमाई दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के क्लब में तो जल्द ही शामिल हो जाएगी, लेकिन दोस्तों यह वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करने वाली है। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म में पूजा हेगड़े और सलमान खान की जोड़ी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।